عشناها بنودعك بدموع العين. वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन. मुसरत आपा, आपसे बात हो रही थी स्माइल अगेन फाउंडेशन के हवाले से. आपने कहा जी इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरा सवाल वहीं पे रहा कि कैसे आइडिया आपको आया इसका. आइडिया इस तरह से आया कि बीइंग इन अ फील्ड जो कि सिर्फ ब्यूटी के हवाले से है, जिसमें खवातीन सिर्फ अपनी खूबसूरती की बात करती हैं, एंड अ गर्ल वॉक्ड इन एंड जब उसने अपना नकाब हटाया तो उसके चेहरे पर उसकी आज़ा ही पूरे नहीं थे. मैं उस वक्त बैठ गई थी क्योंकि मुझे लगता था मेरी जान नहीं है. तो फिर मैंने उस दिन अपने घर में जाके इतनी गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और उसका बहुत शुक्र अदा किया कि कितनी सहूलियतें कितनी आसानियों के बावजूद हम शुक्र नहीं अदा करते. और माफ़ी इस बात की मांगी कि इतने अरसे मैं एक ऊपरी सतही काम करती रही, मुझे क्यों नहीं पहले ख्याल आया. क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत अरसे से हो रही हैं, कोई आज से तो नहीं हो रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर मुझे ये हिदायत दी या ये चेंज जो है वो मुझे लगता है कि मुझे इफ़ गॉड हैज़ चोज़न मी देन मुझे अपना पूरी दिल से अपने जो कुछ भी मेरे वसाइल हैं जितना भी मेरे अंदर आपने इसको किया. आप कैसे करती हैं? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जॉब. मतलब अगर देखा जाए इस तरह की जगहों पर जाना, विक्टिम्स को लाना, उनकी सर्जरी करना और फिर फंड, हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. लेकिन बहुत सी दफ़ा जो है ना बच्चियाँ क्योंकि बच नहीं पाती तो उनके साथ सिर्फ बैठकर उनसे प्यार से दो बातें कर लेना, उनके अपने लोग उनके जिस्म की डॉक्टरों को पता है कि एक भूख होती है, इन्फेक्शन होता है, लोग दूर हो जाते हैं, उनके पास जाके सिर्फ बैठ के सिर्फ प्यार के दो वही उनकी दिल वो ही हाँ वो उनके लिए उस पर्टिकुलर वक्त में जिस वक्त वो इतनी तकलीफ से गुजर रही है उनको काफी संभाल देती है. डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी, टाइम बहुत कम है आपा, मैं आपको बार बार काट रही हूं. नहीं बिल्कुल. डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए कि आप एक मिशन पे निकले हैं आजकल, वो ये है कि आपकी जो एम्बुलेंसेज हैं लोगों ने आपका काम देखा है फौरन पहुंचते हैं, आग लगी कोई घर में लड़ाई हुई कहीं हादसा हुआ रेस्क्यू 112 हर एक की जुबान पर है. अब आई नो वी एज ए नेशन वी शुड डू वॉट इज लाइक कि हम आपकी मदद करें. आप पे एक मिशन है जिसमें एम्बुलेंसेज की आपको ज़रूरत है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट से हट कर जो लोग हैं वो खुद इसमें पार्टिसिपेट करें, इसके बारे में बता दीजिए. देखिए जी ये लोगों की सर्विस है. आज हमने 1,000,000 लोगों को रेस्क्यू किया है, 1,000,000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया. तो आप सोचिए जो एक गाड़ी चलती है एक शहर के अंदर जिसने शॉर्ट डिस्टेंस पर बार बार एमरजेंसी भी जाना है उसकी वेयर एंड टियर बहुत ज़्यादा होती है. तो जो 1.5-2 लाख गाड़ी चल जाए उसके लिए फिर हमें इमरजेंसीज पे अपना रिस्पांस टाइम और सारी उस क्वालिटी और उसको मेयार को मेंटेन रखना बहुत एक बड़ा चैलेंज बन जाता है. ठीक है. और तो इसलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट एक मुश्किल टाइम पे है. अकाउंट नंबर कोई तरीका जल्दी से हमारी किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, rescue 1122 डाल दें तो www.rescue.gov.pk उस पर हमारे अकाउंट भी सारी डिटेल्स भी दी हुई है. ठीक है. और उसमें जाके तो कर सकते हैं, बल्कि आई वुड से कि हमें पैसे ना दें, अगर कोई लोग ऐसे हैं वो मिलकर अगर और आपके नाम से हम उनके वो चलाएंगे और उनको ये भी पता होगा कि कितनी इमरजेंसी वो डेली डील कर रही है वो भी खबर देंगे. 30 सेकंड्स है आप बता दीजिए. आपके लिए रमजान का महीना है, लोग इस महीने में जितना दिन कम है, व्हाट यू वांट टू से अबाउट स्माइल अगेन फाउंडेशन? कि जिस तरह से मदद की जरूरत होती है उसमें ना सिर्फ फाइनेंसिस की ज़रूरत होती है, उनको शेल्टर की ज़रूरत होती है, उनकी और भी बहुत सी परेशानियाँ, और जो बच्चियाँ थोड़ी सी ठीक हो जाती हैं उनको जॉब की ज़रूरत होती है. ठीक है. जॉब अपॉर्चुनिटीज़. हाँ तो जहाँ पे जिस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपा एस्पेक्ट है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस. बिन वदाक बिन मौलाए